नोटिफिकेशन चैनल में आप लोगों को स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, आज हम लोग आप लोग के लिए यानी कि समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न को लाए हैं। यानी कि जो हम लोग सवाल देखेंगे वो है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी से जितने भी यानी कि संबंधित सवाल है उस सभी को हम लोग एक एक करके वीडियो में देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो पहला सवाल है वो है एपी -40, -15, -10, -35... का दसवां पद आपको निकालना है कि दसवां पद क्या होगा, ये आपको क्या करना है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि एपी -40, -15, -10, -35... का दसवां पद क्या होगा। तो देखिए हम लोग किस प्रकार से दसवां पद निकालते हैं। तो सबसे पहले यानी कि जो एपी दिया है वो हम लोगों को दे दिया है -40, -15, -10, -35... आपको निकालना है दसवां पद कि दसवां पद क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से हम लोग बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे ढंग से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लीजिए कि प्रथम पद बराबर आपका -40, यानी कि आपको ये एपी जो सीरीज है इस सीरीज में पहला जो क्रम होता है यानी कि टर्म है वो आपका -40 है। तो हम लोग प्रथम पद को -40 लिए। डी यानी कि सार्वंतर, सार्वंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सार्वंतर बताए थे T2 - T1, यानी कि दूसरा टर्म से पहला टर्म को क्या करते हैं यानी कि घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए -40 करना है, इसको घटाएंगे तो -15 -, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पे 40, अब इसको घटाइएगा तो देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, यानी कि 25 आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे डी हम लोग को पता चलेगा कि डी क्या आया है, यानी कि 25 आया। तब हम लोग को दसवां पद निकालना है, यानी कि एन बराबर भी हम लोग को 10 मालूम है। तो सबसे पहले टी एन बराबर होता फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। जहां ए का वैल्यू आपको क्या दे रखा है यानी कि -40, प्लस एन का वैल्यू देखिए 10 है तो 10 - 1, और बी का वैल्यू यानी कि 25 है, तो हम लोग यहाँ पे 25 लिखे। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए यहाँ पे -40 प्लस यहाँ पे 9 और यहाँ पे गुना 25, क्योंकि 10 में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पे 9 लिखे और यहाँ पे देखिए डी यानी सार अंतर कितना का है यानी कि 25 का है, तो यहाँ पे 25 से मल्टी किए तो यहाँ पे आया -40 प्लस यहाँ पे गुना करिएगा तो 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में यहाँ पे हो गया कितना, 4, और यहाँ 9 × 2 = 18, 18 × 4 क्या हो गया यानी कि 22, यानी 200 आपका क्या आ गया यानी कि 25 आ गया। फिर से देख लेते हैं, 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में देखिए 4 है, 9 × 2 = 18, 18 × 4 क्या होता है यानी कि 22 होता है। अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो 225 में से 40 को घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ यानी कि 18, यानी कि आपका T10 = जो आपका आएगा वो आपका क्या है यानी कि 185 होगा, यानी कि दसवां पद हमारा जो होगा वो कितना होगा, 185 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को देखें। फिर से देखिए -40, -15, -10, -35, -10 आपको ज्ञात करना है। तो प्रथम पद जो आपका टर्म का पहला है उसको लीजिए -40, सार्वंतर कैसे निकालते हैं तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएं तो -15 है, यहाँ पे माइनस है, -40 है तो -, -+ हो गया, D = 25 आ गया। एन बराबर आपको दे रखा है कैमा पद तो दसवां पद तो 10 लिख दिए, T = फॉर्मूला लगा दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हम लोग आया 185। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा है किसी एपी का पहला पद 7 है, यानी कि किसी भी अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज का फर्स्ट टर्म जो है वो आपका 7 है, एंड डिफरेंस यानी कि
सार अंतर जो है वो दो है, और टी एम यानी कि अंतिम पद दे रखा है 50 है, तो पदों की संख्या हमें क्या होगा ये पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि देखिए पहला, यानी देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, पहला पद बराबर देखिए क्या दे रखा है 7, क्योंकि किसी एपी का पहला पद 7 है, तो 7 लिख दिया पहला पद। सार्व अंतर दे रखा है, यानी कि सार्व अंतर इक्वल टू आपका क्या दे रखा है 2 है। अंतिम पद यानी कि अंतिम पद बराबर दे रखा है 50, लेकिन एनवा पद पता नहीं है, यानी एनवा पद हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट में लिख दिए, किसी एपी का पहला पद 7 है, सार्व अंतर 2 है तथा अंतिम पद 50 है, तो एनवा पद क्या होगा से पता नहीं है। तब किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले टी एन बराबर फॉर्मूला लगाइए, के प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी होता है। टी एन के जगह लिखिए अंतिम पद जिसको हम लोग बोलते हैं 50, यहाँ 50 लिखिए। ए का वैल्यू क्या है 7 है, 7 लिखिए। एन माइनस वन, एन का वैल्यू क्या है, तो देखिए एन का वैल्यू हमें पता नहीं है, एन माइनस वन। डी का वैल्यू पता है क्या है 2 है। यहाँ पे देखिए 50 यानी प्लस में है, तेने 7 माइनस में आ गया, 50 माइनस 7 बराबर यहाँ एन माइनस वन इंटू आपका क्या गया 2 आ गया। घटाइएगा तो बच जाएगा देखिए 43 बराबर एन माइनस वन इंटू 2 आ जाएगा, क्योंकि 50 में से 7 घटेगा तो आपका 43 बचेगा, क्योंकि 7 3 10 50, यानी कि अब यहां पे करेंगे 43 बटा 2 इक्वल टू एन माइनस 1। अब यहां सोल्व करिएगा यहां पे हो जाएगा 43 बाई 2 माइनस तो प्लस 1 बराबर एन। अब यहां पे हो जाएगा 43 प्लस 2 बाई 2 इक्वल टू एन, तो एन का वैल्यू जो आपको हो जाएगा 3 और 2 5 यानी 45 बटा 2 इक्वल टू एन। अब इसको भागा दे दीजिएगा तो एन का वैल्यू जो हो जाएगा 24 दुनिया 48 होता है ना, तो आपको हो जाएगा 23 दुनिया 46 22 दुनिया 24 यानी 22.5 यानी एन का वैल्यू आपका 22.5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। फिर से देखिए पहला पद 7, सार्व अंतर 2, अंतिम पद 50, एनवा पद हमें पता नहीं है, तो टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की जगह 50 लिखिए, ए का वैल्यू 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का वैल्यू देखिए 2 है, तो 2 डिग्री 7 प्लस में है तो इन्हें माइनस भेज दिए तो आपका 43 आ गया। अब 43 आ गया तो यहाँ पे माइनस वन इंटू 2 है, यहाँ पे गुना में है तो इसको भागा में कर देते 43 बटा 2 इक्वल टू माइनस वन। अब इसको यहाँ पे एक इन्हें माइनस में है तो इसको प्लस भेज दिए, इन्हें एन बच गया। अब यहाँ पे 43 प्लस 2 45 बाई 2 इक्वल टू एन, अब इनका वैल्यू यहाँ भाग दिए तो 22 आपका आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखे नेक्स्ट सवाल, देखे नेक्स्ट तीसरा सवाल कह रहा है किसी एपी यानी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, यानी कि पांचवा पद आपको निकाल के बता दिया 11 है और नौवा पद 7 है, तो आपको 15वां पद ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है और इस सवाल को देखिए किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए यहां पे कह रहा है कि पांचवा पद 11 है, यहां पे सिंपल में अगर लिखे क्वेश्चन नंबर 3 यहां शॉर्ट में पांचवा पद बराबर देखिए यहां पे क्या दे रखा है यानी कि 11 है और नौवा पद बराबर यहां पे क्या दे रखा है 7 है, आपको 15वां पद क्या होगा जो पता करना है, यानी कि पता नहीं। तब देखिए कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि प्रथम पद बराबर ए, सार्व अंतर बराबर यानी डी, एन 5 है, एक जगह 9 है और एक जगह आपको 15वां ज्ञात करना। तो यहां पे लिखिए अब यहां प्रश्न से करेंगे,
प्रश्न से क्या लिखेंगे, T5 इक्वल टू कैसे निकाला था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी पांच मां कितना दे रखा है 11 इक्वल टू, ए का वैल्यू तो है ना पता, एन का वैल्यू पता है 5 माइनस 1 गुना डी, डी भी पता नहीं, तो 11 बराबर ए प्लस 40 को समीकरण एक के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, इसके आगे यानी कि और करके बनाइए, T9 भी दे रखा है, T9 बराबर यहां 7 दे रखा है, तो T9 बराबर 7 लिख दिए, तो कैसे निकाला, तो A यानी कि लिखा होगा कि 7 इक्वल टू A प्लस N, N की जगह आपका 9 लिखा, तो 9 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू तो है ही नहीं है, तो 7 का 7 हो गया बराबर A प्लस 9 में से यानी 8 डी, समीकरण आपका क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पे 11 बराबर ए प्लस 40 है, यहाँ 7 इक्वल टू ए प्लस 80 है। अब इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे जी, देखिए समीकरण यहाँ पे लुप्तीकरण आप पढ़ोगे, समीकरण 1 गुना ए को बराबर करना है तो कुछ नहीं, 1 गुना 1 के 1 2 गुना 1, तो यहाँ पे करिएगा तो 11 इक्वल टू ए प्लस 40 और यहाँ करिएगा 7 इक्वल टू ए प्लस 80। अब चीन को बदल दीजिए माइनस माइनस माइनस, तो ये से क्या हो गया कैंसिल हो गया, 11 में से 7 घट गया क्या बच गया 4 इक्वल टू हम 8 देखिए माइनस में 4 प्लस में यानी माइनस 40, 4 से 4 कैंसिल यानी डी इक्वल टू आपका क्या आ गया यानी कि 1 आ गया माइनस में। अब जब माइनस 1 आ गया तो यहां पे हम लोग लिखेंगे समीकरण यानी कि 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, तो समीकरण 1 जो है यहां हम लोग देखते हैं, समीकरण 1 है हम लोग का कि 11 बराबर a प्लस 40 है, यानी कि 11 इक्वल टू a प्लस 40 है, d का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कि 11 इक्वल टू a प्लस 4 इंटू माइनस 1, क्योंकि d का वैल्यू अभी अभी निकाले हैं कितना है तो माइनस 1 है। अब यहाँ पे आपका क्या 11 इक्वल टू ए प्लस माइनस 4, तो यहाँ पे 11 प्लस इन्हें आ जाएगा माइनस में तो प्लस 4 इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू आपका 11 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाता है 15 हो जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ए बराबर 15 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, तो 15वां पद निकालना है, तो T15 लिखे, T15 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस, तो एन की जगह लिख दीजिए कितना 15 माइनस 1 गुना डी, डी का वैल्यू है माइनस 1, तो ए का वैल्यू भी पता चलिए गया है कितना 15, तो 15 प्लस 14 गुना माइनस 1, तो 15 प्लस माइनस 14 यानी कि 15वां जो है पर वो आपका 1 होगा। तो हम लोग देखा कि 5वां पद 11, 9वां पद 7, 5वां तो 15वां पद आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को मजेदार देखिए टॉपिक में आया है, इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही इजी वे में देखे। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट जो बोल रखा है ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि एपी 8, 13, 18, 23, तो इसका यानी कि आपको 128 पदों की संख्या, ठीक है, तो पदों की संख्या आपको क्या है वो आपको क्या करना है यानी कि बताना है। तो देखिए यहां पे एपी 8, 13, 18 है, यहां पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 8, 13, 18, 23 .. 128, तो आपको पदों की संख्या क्या है जो पता नहीं है, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे प्रथम पद 8, सर्व अंतर बराबर यानी कि 13 - 8, तो बच गया कितना यानी कि 5, डी इक्वल टू पता चल गया 5,
एन हमें पता नहीं है लेकिन टीएन पता है 128। तो टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, जो आप लोग याद भी किए हैं और बार बार देख रहे हैं कि टीएन से जितने भी संबंधित सवाल है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में, ये आपका टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी से ही बना रहे भी। अब देखिए यहाँ पे टीएन आपको ज्ञात करना है, तो टीएन इक्वल टू आपको 180 128 दिले है, इक्वल टू ए का वैल्यू आपको दे रखा है 8 प्लस एन का वैल्यू नहीं दे रखा है, डी का वैल्यू दे रखा है कितना 5। अभी पता चला दूसरा पद में से पहला पद को घटाए तो 128 बराबर आपका है माइनस यहाँ पे कर देंगे 8, क्योंकि प्लस में जो माइनस में एन माइनस वन इंटू क्या गया 5, यहाँ गया 120 इक्वल टू एन माइनस वन। अब इसको गुना में तो भागा में कर दिए, इसको काट दिए तो काटे तो कितना बार में कटेगा 5 × 10 यानी कि यहाँ पे लिखेंगे एन माइनस वन बराबर 5 × 10 बार कट गया, बच गया 2 और 0 20, 4 × 5 = 20 तो एन बराबर 24 + 1 यानी माइनस में तो नहीं प्लस में, तो एन बराबर आपका 25। तो आप लिख सकते हैं 25वां पद 128 है। तो देखिए कि हम लोग कितना आसानी से क्या कर रहे हैं, सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए लास्ट जो है किसी व्यक्ति 3 5 7 9 डॉट डॉट का 35वां पद ज्ञात करना है। एकदम देखिए आसान, कुछ लोड नहीं लेना है बल्कि इतने आसानी से इसको बनाना है जैसे कि आपको लगा लगे ही नहीं कि हम मैथ को क्या कर रहे हैं सोल्व कर रहे हैं। इतने इजी वे में बनाइए ताकि मैथ का टेंशन ही ना रहे कि मैथ हमसे सॉल्यूशन नहीं हो रहा, बल्कि इतना आप प्रैक्टिस करिए, इतना अच्छे से देखिए कि आप एक बार में आपको वीडियो से जो बताया गया है वह अपने से भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर के बना सके। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है 5वां कि 3 5 7 9 डॉट का 35वां पद ज्ञात करें। तो यहां आपने देखा कि प्रथम पद बराबर 3 है, सार अंतर बराबर यानी 5 - 3 यानी कि 2 है, एन बराबर 35 है, तो आपको निकालना है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होगा डी। ए का वैल्यू देखिए 3, एन का वैल्यू हो गया कितना 35 - 1 × 2 यहाँ हो गया 3 + 34 × 2 तो 3 + 34 = 68, 68 + 3 = 8 + 3 = 11 यानी कि 71। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 35वां पद क्या है, वो आपका 71 है। तो प्लीज हमारा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने भाई बंधु से भाई बहन से ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करवाइए ताकि आप लोग के लिए और आप लोग के भाई बंधु के लिए हम इसी प्रकार का और आगे का वीडियो लाता रहें ताकि आप लोग के भाई बंधु को हमेशा हेल्प मिलता रहे, किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। जय हिंद।